हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं फिगर स्पीच और इसी सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपरबली को। फ्रेंड्स, हाइपरबली जिसका दूसरा नाम एग्जाजरेशन भी होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है, कैसे इसको हम पहचानते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, एटसेट्रा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो वर्ड है हाइपरबली, ये कहाँ से आया? इसकी ओरिजिन ग्रीक से है और जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स एक्सेस। और एक्सेस का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, वो होता है अधिक, यानी बहुत अधिक। क्लियर? बेस्ड ऑन इमेजिनेशन ये फिगर स्पीच है। यानी कल्पना पर आधारित ये फिगर स्पीच है। क्लियर फ्रेंड्स? इस फिगर स्पीच में जो थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड, जो वस्तुएं हैं वो रिप्रेजेंटेड की जाती है एज ग्रेटर और लेस, वो बढ़ा के या घटा के। क्लियर? बेटर और वर्स मीन्स बहुत अच्छा या बहुत खराब। देन दे रियली आर, कि जो वस्तुएं हैं वास्तव में जो जैसी हैं, कोई वस्तु जैसी है उसको बहुत अधिक बढ़ा दिया। मीन्स फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, किसी काम को बढ़ा चढ़ा कर अगर किया जा रहा है तो उसको हम कहते हैं हाइपरबली, और हिंदी में इसको हम कहते हैं अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। क्लियर फ्रेंड्स? बाय दिस फिगर स्पीच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड कि जो वस्तुएं हैं वो रिप्रेजेंट की जाती हैं। कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? एज ग्रेटर और लेस। कि वो उनको महान बता दिया जाता है या बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाता है। क्लियर बात फ्रेंड्स? बेटर और वर्स, देन दे रियली आर, कि वो जैसी हैं उससे वो बढ़ा चढ़ा के या घटा के ऑथर वहां कोई बात करता है। इंटेंडेड टू प्रोड्यूस अ मोर स्ट्राइकिंग इफेक्ट, ये स्ट्राइकिंग इफेक्ट देने के लिए जो प्लेन स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, जो बिल्कुल प्लेन ऑथर कोई बात कह रहा है, प्लेन वर्ड्स में कोई बात कह रहा है, तो उस प्लेन स्टेटमेंट को एक स्ट्राइकिंग इफेक्ट, एक बहुत बढ़िया इफेक्ट देने के लिए ऑथर स्पीकर स्पीच को यूज करता है। इंटेंडेड टू प्रोड्यूस अ मोर, लिख लेते हैं इस बात को भी, कि जो मोर स्ट्राइकिंग इफेक्ट देना, किसको देना? देन ए प्लेन स्टेटमेंट। क्लियर बात फ्रेंड्स? कि एक मोर स्ट्राइकिंग इफेक्ट देना, एक प्लेन स्टेटमेंट की जगह वो स्ट्राइकिंग इफेक्ट देने के लिए ऑथर इस फिगर स्पीच को यूज करता है। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लें। जैसे एक डेफोडिल्स है, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम, उसमें एक लाइन है कि फ्रेंड्स, 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। इसमें वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि मैंने एक ही नजर में, एक ही ग्लांस में, ग्लांस कहते हैं नजर को, दृष्टि को, एक ही दृष्टि में मैंने 10,000 देखे, मींस मैंने 10,000 फ्लावर्स देख लिए, 10,000 डेफोडिल्स मैंने एक ही नजर में देख लिए। कैसे कैसे पॉसिबल है फ्रेंड्स? पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक नजर में 10,000 ऑथर कैसे देख लेगा, कोई व्यक्ति कैसे देख लेगा? क्लियर फ्रेंड्स? तो यहां बात को बढ़ा चढ़ा के कहा, दे आर स्विफ्टर देन ईगल्स, कि वो ईगल्स से। क्लियर फ्रेंड्स?
क्या थे, स्विफ्टर थे। स्विफ्टर कहते हैं तेज, कि जो ईगल होता है ईगल से भी तेज थे, एंड स्ट्रॉन्गर देन लायंस। और जो लायंस हैं उनसे भी वो स्ट्रॉन्ग थे। लॉयन से भी स्ट्रांग हो सकता है और ईगल से भी कोई तेज हो सकता है। यानी यहाँ जो इफेक्ट है उसको ऑथर ने बढ़ा दिया। क्लियर फ्रेंड्स, यानी हाइपरबोली यहाँ ऑथर ने यूज की। विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है हेमलेट। हेमलेट की एक लाइन है फ्रेंड्स, हेमलेट कहता है वो एक पैशनेट लवर वहां ऑथर ने दिखाया है। क्लियर, तो वो कहता है कि आई लव्ड ऑफिलिया 40,000 ब्रदर कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव। कि मैं ऑफिलिया को इतना प्यार करता हूं कि अगर उसके 40,000 ब्रदर्स, कि अगर उसके 40,000 भाई भी होते तो वो इतना प्यार उसको नहीं कर पाते। क्लियर फ्रेंड्स, तो ऑथर क्या कह रहा है और अपनी बात को यहां उसने बढ़ा चढ़ा के यहां दिखाई बता दिया है। क्लियर फ्रेंड्स, तो आई लव्ड ऑफिलिया, कि मैं ऑफिलिया को प्रेम करता था और कितना करता था, 40,000 ब्रदर्स। कि उसके जो 40,000 भाई कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव। क्लियर फ्रेंड्स, कि जो 40,000 भाई है वो जितना प्यार नहीं कर पाए उससे ज्यादा मैंने उसको किया। क्लियर, तो किसकी लाइन है फ्रेंड्स, हेमलेट की है। हेमलेट कहता है और किसके बारे में कह रहा है, वो ऑफिलिया के बारे में कह रहा है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। This little hand. अब देखिए कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर का, और वो कैरेक्टर है क्या है फ्रेंड्स, वो लेडी मैकबेथ है। वो कह रही है कि जो मेरे छोटे हाथ है, किंग डंकन को उसने मार दिया। मारने के बाद वो कह रही है कि मेरे जो हाथ हैं इन पर पूरे अरब के परफ्यूम भी अगर आप लाके डाल दो तब भी इनमें महक नहीं आ सकती। क्या है पॉसिबल है फ्रेंड्स, एक ही बूंद डाल दे परफ्यूम की, उससे महक आ जाएगी। लेकिन यहाँ जो इफेक्ट है वो लार्जर दिखा दिया, लार्जर देन रियलिटी वो ऑथर यहाँ शो कर रहा है फ्रेंड्स। क्लियर, तो यानी मैकबेथ की ये लाइन है बाय शेक्सपियर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, फिगर स्पीच समझ आ रही होगी। आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे। ये जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ये आपकी डेली लाइफ से मैंने लिया है कि आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू टुडे। कई बार हम कह देते हैं अरे यार लाखों काम है करने के लिए, एक काम थोड़ी है, सैकड़ों काम है फ्रेंड्स। जो सैकड़ों या लाखों हम वहां यूज कर रहे हैं वो क्या है, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत काम है, इसके अलावा भी और काम है। क्लियर फ्रेंड्स, तो जो मिलियन थिंग्स है इसमें आपको हाइपरबोली दिखाई दे रहा है। ही इज स्किनिंग एज अ टूथपिक। He is skinny as a toothpick. Toothpick क्या होती है फ्रेंड्स? एक स्टिक होती है जिससे हम जो दांत है हमारे उनमें कुछ फंस जाता है उसको निकालते हैं। तो किसी व्यक्ति को क्या बता दिया उसको, स्किनी, इतना पतला बता दिया जितनी कि एक टूथपिक होती है। यानी उस इफेक्ट को यहां घटा दिया। क्लियर है फ्रेंड्स, ब्लिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। ये आपने सुना होगा, ब्लिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड
वॉज गे। फ्रेंड्स ये जो लाइन है ये अलेक्जेंडर पोप की लाइन है और पोप का एक फेमस कैरेक्टर है द रेप ऑफ द लॉक, जो उसकी बुक रही है ऑथर की, उसका एक फेमस कैरेक्टर है ब्लिंडा। तो ब्लिंडा की स्माइल इतनी सुंदर थी कि पूरा संसार खुश हो जाता था उसको मुस्कुराते हुए देखकर। क्या है पॉसिबल है कि एक महिला के मुस्कुराने से पूरी दुनिया खुश हो जाए? क्वाइट इम्पॉसिबल, लेकिन ऑथर यहाँ इफेक्ट को बढ़ा चढ़ा के यहाँ दिखा रहा है। क्लियर फ्रेंड्स, यानी बात को बढ़ा चढ़ा के दिखाना क्या है, वो आपका हाइपरबोली है, वो आपका अतिशयोक्ति है। क्लियर फ्रेंड्स, तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है फ्रेंड्स तो, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स चैनल अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज go and subscribe the channel. Now, thanks for watching this video.